हाँ भाई, क्या कह रहे RTX 5050 के लैपटॉप नहीं ला रहे? थोड़े दिन पहले वैसे विक्टस लेके आए थे चैनल पे, एंड उसकी वीडियो में हम जब कंपैरिजन कर रहे थे ना कंक्लूजन में, तो एक टफ के बारे में मैंने बोला था भाई कि 1 लाख के आसपास टफ आता, उसका रिव्यू जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो लाना तो बनता है क्योंकि डिमांड ही इतनी आ रही थी। लेकिन भैया ASUS वालों को हो क्या गया, उस टाइम पे इस लैपटॉप का रेट 1 लाख रुपीज के आसपास था। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1,20,000 रुपीज का 5050 वाला लैपटॉप है ये। वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जो 5050 है वो बेसिकली 4060 है, एंड अगर 4060 के लैपटॉप आप देखो 90,000 1 लाख रुपीज के आसपास है, तो ये भी इतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी इतने में ही दे रहा है। क्या हो गया ASUS वालों भाई साहब? वैसे भी जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ना, मैं इसका प्राइस देख रहा था, 1,10,000 पे ये आ चुका है। तो पूरी वीडियो देख लेना, कंक्लूजन में कुछ बात करी है। तो चलो प्राइसिंग को एक बारी को साइड रखते हैं, इस लैपटॉप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। प्राइसिंग तो फ्यूचर में ऊपर नीचे होती रहती है, जब भी बेस्ट प्राइसिंग आएगी आप बाय कर सकते हो। और वीडियो के एंड तक कंपेयर भी करेंगे कंपेटिटिव लैपटॉप से, और बताऊंगा आपको किस प्राइस पॉइंट पे कौन सा RTX 5050 का लैपटॉप आपको लेना चाहिए। मैं इतने वीडियो शुरू करता हूँ, आप इतने लाइक और सब्सक्राइब मारो, मैं वेट कर रहा हूँ। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो है रैम और स्टोरेज प्राइसेस के बढ़ने की, कि वो लैपटॉप पे भी शायद इंपैक्ट डालें। लेकिन अभी तक कंपेटिटिव प्राइसिंग बढ़ी नहीं है, मार्केट में जो दूसरे लैपटॉप्स हैं उनके प्राइसेस अभी तक सेम ही है। तो अगर सबके बढ़ते हैं तो भैया गेमिंग प्रोडक्टिविटी बहुत महंगी होने वाली है, अगर नहीं बढ़ते तो अच्छी चीज है, फिर ASUS वालों को घटाने पड़ेंगे। एंड यस, लैपटॉप को ज्यादा डिटेल में मैं कवर नहीं कर रहा, बिकॉज टफ का 5070 वेरिएंट का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, तो यहां पे जो जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। बाकी डिटेल में अगर और लैपटॉप की जानकारी लेनी है तो वो वाली वीडियो भी देख लेना, बाइंग चॉइस बनाने में आपको इजी होगा। इस लैपटॉप में मेजरली जो डिफरेंस है वो डिस्प्ले का है, उसमें 1600p थी, इसमें 1200p डिस्प्ले है, और 16 इंचेस का पैनल है, IPS डिस्प्ले है, फुल HD प्लस, जो कि मैंने आपको बताया 1200p, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, 165 वर्ट्स का रिफ्रेश रेट है, ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी थी 318 निट्स के आसपास तक की ब्राइटनेस निकल गया है, और कलर गैमेट अच्छा मिलता है, 100% sRGB, बाकी कलर गैमेट आप देख सकते हो। तो यहां पे कलर एक्यूरेसी वाले टास्क भी आप कर सकते हो, मल्टीमीडिया वगैरह के लिए भी ठीक है। बेसिकली 1 लाख के आसपास के लैपटॉप में जो डिस्प्ले आनी चाहिए वही है। एक प्रो टिप मेरी तरफ से, जो लोगों को समझ नहीं आती बेसिक कलर वाली डिस्प्ले और 100% sRGB वाली डिस्प्ले कैसी लगती है, तो आसपास किसी स्टोर पे जाओ, दो लैपटॉप कंपेयर करो, अपनी आंखों से देखो, समझ में आएगा। कॉस्टा रिका चला लेना, ओहो उसमें ज्यादा एकदम भरपूर से कलर दिखाई देते हैं। उसके अलावा डिजाइन, स्पीकर, ट्रैक पैड, कीबोर्ड, पोर्ट्स सब कुछ सेम है, जो ऑलरेडी उस वीडियो मैंने बता रखा है। और हाँ, अगर आप देहरादून या उत्तराखंड से हो, ये वाला पार्ट आपके लिए, वरना आप टाइम स्टैम्प देख के स्किप भी मार सकते हो। अगर आप भी अपने लिए कुछ ऐसा लैपटॉप देख रहे हो, या कोई भी लैपटॉप थिन एंड लाइट, कन्वर्टेबल, गेमिंग, तो आप लैपटॉप स्टोर विजिट कर सकते हो देहरादून में। इनके पास सारी वैरायटी के लैपटॉप्स है, हर तरीके का पेमेंट मोड ही एक्सेप्ट करते हैं। एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, जाने से पहले कॉल व्हाट्सएप कर लेना, मैं थोड़ी तकनीक की बातें कर लेता हूं। इसके अंदर इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर है, जो हमारा 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और अगर इस प्रोसेसर को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं Cinebench R23 में, तो 14450HX और इसके अंदर इतना कोई खास बड़ा डिफरेंस है नहीं, बाकी अदर प्रोसेसर भी हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। और 16GB रैम है DDR5 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली, सिंगल चैनल में, तो अपग्रेड में फायदा होगा, 32GB तक आप कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग द रैम। और RTX 5050 GPU मिलता है विद 115 वाट ऑफ TGP, कुछ लैपटॉप्स में इसी प्राइस पॉइंट पे 100 वाट है, जैसे Lenovo का लॉक वगैरह हो गया। बाकी डिफरेंस कितना आता है TGP से, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। और ये 8GB VRAM वाला GPU है, 4060 के आसपास की परफॉर्मेंस देता है। वैसे 5050 वर्सेस 4060 की एक वीडियो बना रखी है मैंने। और अगर आपको फिर भी NVIDIA 50 सीरीज को देखना है कौन सा GPU कहां स्टैंड करता है, तो पूरा ग्राफ है आपके सामने, 5050, 5060, फिर जैसे-जैसे पैसे बढ़ाते जाओगे कितना कितना परसेंटेज का डिफरेंस है। 3D Mark Times Pi का जो ग्राफिक स्कोर है वो आप यहां पे नीचे चेकआउट कर सकते हो, जितना गुड़ डालोगे चाय उतनी मिट्टी बनेगी, यहाँ पर गुड़ पैसों को बोला जा रहा है। देन कमिंग ऑन टू दिस स्टोरेज, एक अच्छी चीज है इसमें 1TB Gen 4 SSD है, यूजुअली 1 लाख के आसपास 512GB ज्यादातर ब्रांड्स देते हैं, एंड रीड एंड राइट स्पीड भी आप देख सकते हो Gen 4 की अच्छी है। और इसके अंदर 2 SSD के स्लॉट है, एक ऑक्यूपाइड है, एक फ्री है, फ्यूचर में अपग्रेड करनी हो तो इजिली कर सकते हो। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3, MS Office Home 2024 लाइफ टाइम के लिए, और Xbox Game Pass फॉर 3 मंथ्स। और अब तो क्लाउड गेमिंग भी आ गया इंडिया में, तो मान लो अगर लैपटॉप में डाउनलोड नहीं करे तो क्लाउड गेमिंग भी कर सकते हो, तो क्लेम कर लेना। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, Cinebench 2024 4 के नंबर्स ये रहे, Cinebench R23 के नंबर्स ये रहे, और उसके बाद Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर के स्कोर, एंड CPU के स्कोर्स जैसे होने चाहिए इसके प्रोसेसर के हिसाब से लैपटॉप सही परफॉर्म कर रहा है। तो आपको उसके ऊपर कोडिंग करनी है किसी भी लेवल की, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क करने हैं, ये लैपटॉप कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं करेगा। उसके बाद आ गया AI, Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो, ये GPU पे निकला जो नंबर्स वगैरह है, और DeepSeek R1 का 32 billion पैरामीटर मॉडल हम रन करते हैं सारे लैपटॉप्स में यूजिंग LM स्टूडियो, लेकिन इसके अंदर वो नहीं चला बिकॉज इसके अंदर 16GB रैम है प्लस i5 है 5050 है, तो इसके अंदर हमने 8 billion पैरामीटर मॉडल रन किया।
फॉर्म टर्म ने सेम रखा, जिसका रिजल्ट हमारा 29 सेकंड्स में निकल के आ गया। टोकन इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। ये बहुत ही कस्टमाइज तरीके का बेंचमार्क है जो हम अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। आप कुछ और तरीके से टेस्ट करना चाहो कर लो, बहुत सारे मॉडल्स हैं ऑनलाइन जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। और इस टूल के अंदर ना सीपीयू जीपीयू रैम तीनों का कॉम्बिनेशन लगता है, तो इसके अंदर 8 बिलियन वाला चल पाया, जैसे 32 बिलियन चलाते ना स्टक हो जाता है लैपटॉप, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। एंड अगर आप एक डेटा साइंस स्टूडेंट हो तो जो सीपीयू जीपीयू कॉम्बिनेशन है इसका, उसमें आपका काम हो जाएगा। वैसे मिनिमम i5 Ryzen 5 कोई भी H सीरीज वाला सीपीयू और कोई भी डिसेंट 4GB वीराम वाला जीपीयू, उससे ऊपर है तो भाई सोने पे सुहागा, और जो कि इसके अंदर है भी। और बड़े डेटा सेट्स पे जैसे काम करता है ना तो रैम की भी नीड होती है, जितना मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं जानता हूं, प्रोबेबली मैं कुछ चीजों में गलत भी हो सकता हूं। उसके बाद 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग में ब्लेंडर बेंचमार्क 2900 के आसपास कोड, ब्लेंडर में BMW का रेंडर निकाला, 25 सेकंड्स में आउटपुट निकला। और अगर आपको गेम डेवलपमेंट भी करनी है तो प्रोबेबली एंट्री लेवल या इंटरमीडिएट लेवल तक आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो इसलिए मैं हर बार अपने गेम डेवलपर मित्रों से कमेंट मांगता हूँ टाइम टाइम के साथ, तो बता देना भाई क्या क्या कैसा कैसा हो सकता है इस स्पेक्स के साथ, या क्या क्या नीड होती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंजन जिस पे भी काम करते हैं। एंड एडिटिंग के लिए प्रोजेक्ट बेंच फॉर प्रीमियर प्रो, भाई बढ़िया 7800 प्लस कोर, डाविंची रिजॉल्व 5700 प्लस, फोटोशॉप 6200 प्लस, और आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चला बिकॉज उसके लिए मिनिमम 18GB रैम चाहिए होती है, इसमें 16GB है, पर ऐसा नहीं चलेगा नहीं, बेंचमार्क नहीं रनूंगा, बट आफ्टर इफेक्ट्स भी आप इसमें यूज कर पाओगे। तो किसी भी टाइप के एडिटिंग लाइक 4K 60fps वाली फुटेज हो गई, अच्छे से अच्छा फोटोशॉप आपको चलाना, वो सब आप कर पाओगे, और डिस्प्ले भी अच्छी है तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क भी कर सकते हो। और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Time Spy के स्कोर्स ये रहे, जिसके अंदर CPU, GPU एंड ओवरऑल स्कोर Geekbench 6 का नंबर 97000 प्लस एंड VR Mark का बेंचमार्क 12700 प्लस। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी निकाल दिया था, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस के अलग अलग नंबर्स हैं। और ये जितने भी नंबर्स आपने देखे ये हमारे सारे लैपटॉप की वीडियोस में होते हैं, और इसके आसपास के मैंने 2-3 लैपटॉप भी कर रखे हैं, तो अगर आपको कंपेयर करना हो किसके साथ जाना है कैसे जाना, वैसे कंक्लूजन तक मैं आपकी काफी चीज आसान कर दूंगा, स्टिल अगर नंबर कंपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस तो वो आप कर पाओगे। और साथ में एक और प्रो टिप, मैं सारे लैपटॉप रिव्यू नहीं कर पाता पूरे साल में जितने भी रिलीज होते हैं, बिकॉज बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इंटेल वेरिएंट्स अलग हैं, AMD अलग हैं, GPUs अलग अलग हैं। तो अगर आपको कोई भी CPU GPU कंपेयर करना हो ना तो nanoreview.net पे आप जा सकते हो, वहां पे आप कंपैरिजन में कोई भी दो CPUs या दो GPUs डाल के कंपेयर कर सकते हो किसके नंबर्स कितने हैं, वहां के जो बेंचमार्क्स है काफी रिलायबल है, क्योंकि हमारे जो रियल टाइम बेंचमार्क्स आते हैं हम कंपेयर करते रहते हैं, तो वो आपके लिए भी काफी इजी हो जाएगा अगर आप बहुत सारे लैपटॉप्स में कंफ्यूज्ड हो और आपको जानना है कि कौन सा इंटेल का CPU, कौन सा AMD का CPU सेलेक्ट करना है, GPUs में अगर कंफ्यूजन है। वैसे तो काफी मैं भी बता देता हूं, स्टिल एक प्रो टिप है। एंड एक्सट्रीम टेस्टिंग के लिए 1 आवर के लिए प्राइम 95 चलाया, 100% CPU लोड, 97 डिग्रीज तक गया मैक्सिमम, एवरेज वाज 81 डिग्रीज, 4.5 गीगाहर्ट्ज की मैक्स क्लॉक स्पीड थी और 3.31 का एवरेज था, बंद नहीं हुआ सिस्टम। और TDP में देख रहा था भाई 122 वाट तक गई, इंटेल है पूरी भगाएगा, और 90 वाट का एवरेज था। फिर GPU पे भी 100% का लोड डाला, यहाँ पे 115 वाट तक GPU हिट किया, एवरेज भी सेम ही था, और टेम्परेचर भी 83 मैक्सिमम गए थे, 74 डिग्रीज का एवरेज था, तो यहाँ पे लैपटॉप क्रैश वगैरह नहीं हुआ, बढ़िया चल रहा था। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। सबसे पहले वैलोरेंट एंड 1200p पे टेस्ट, जो लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन है, हाई सेटिंग्स है, और वही जैसा इसका सीपीयू है उसके हिसाब से एवरेज 300 FPS के आसपास हमारे को मिल जाते हैं। और हाँ, रूम टेम्परेचर हमारा 20 डिग्रीज के आसपास है, ठंडक आ चुकी है ना भाई साहब, तो थोड़े टेम्परेचर उस हिसाब से जज कर लेना। वैसे इतनी ज्यादा सीपीयू वोल्टेज पुश कर भी नहीं रहा, 60-65 वाट तक है इस गेम में तो, और टेम्परेचर भी अंडर 80 डिग्रीज ही है। उसके बाद CS2 आ गया, वेरी हाई सेटिंग्स, एंड एवरेज यहाँ पे भी हमारे को 150 FPS के आसपास मिल जाते हैं, बढ़िया। और उसके बाद हमने GTA एनहांस्ड एडिशन भी ट्राई किया, मैक्सिमम रे ट्रेसिंग रखा जो हम सारे लैपटॉप्स में रखते हैं, एंड वही आराम से 45-50 FPS दे जाता है। FPS आपको बिल्कुल 40-60 वाले ही मिलेंगे इसके अंदर, बस मल्टी फ्रेम जनरेशन का मामला अलग है जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। उसके बाद आ गया Elden Ring, यहां पे भी हमारे को स्टेबल 60 FPS के आसपास मिल जाते हैं ऑन मैक्सिमम सेटिंग्स। उसके बाद Call of Duty Warzone एक्सट्रीम सेटिंग्स हमने रखी, रेजोल्यूशन ऑब्वियसली 1200p है, तो हमारे को एवरेज 70 FPS के आसपास मिल जाते हैं, बट आप चाहो तो इससे ज्यादा फ्रेम रेट निकाल सकते हो अगर आप सेटिंग्स वगैरह डाउन करोगे तो। उसके बाद RDR2 फेवर क्वालिटी हाईएस्ट सेटिंग जो होती है 70-80 FPS मिल जाएंगे दोनों सिनेरियोस में ऑन बोथ DLSS ऑफ एंड ऑन। उसके बाद Cyberpunk अल्ट्रा सेटिंग्स जिसमें आराम से 70 FPS नॉर्मली और फ्रेम जनरेशन लगा के जस्ट उसका डबल 140 के आसपास, वहीं पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करेंगे तो नॉर्मली वही 20-25-30 के आसपास, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाते हैं सीधा 90 प्लस। फिर आगे Hogwarts Legacy अल्ट्रा सेटिंग्स है जिसमें रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा, नॉर्मली इतने अच्छे फ्रेम रेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के भी ना इतना कुछ खास डिफरेंस आया नहीं, 5-7 FPS का डिफरेंस निकल के आ रहा था। लेकिन वही अगर आपको बेटर FPS चाहिए तो थोड़ी सी सेटिंग्स डाउन कर लेना, ये जस्ट कंपैरिजन के लिए कि इसी सेटिंग्स में हम सारे लैपटॉप टेस्ट करें तो आप कंपेयर कर पाओ। फिर Assassin's Creed Shadows आ गया, अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे वही हमारे को 25-30 FPS मिलते हैं, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आप 60 तक ले जा सकते हो, और पहला सीन काफी ज्यादा टेक्सचर लोडेड है भाई, बहुत ज्यादा चीजें हैं सीक्वेंस के अंदर, तो ये टेस्टिंग के लिए बढ़िया रहता है, और हाँ इसमें रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे है। उसके बाद Horizon Forbidden West आ गया जिसके अंदर 45-50 FPS हमारे को मिल जाते हैं और फ्रेम जनरेशन लगाते हैं डबल जस्ट मतलब 100 के आसपास हो जाते हैं। उसके बाद Ghost of Tsushima प्लेबल बढ़िया नॉर्मली भी एंड फ्रेम जनरेशन लगा के तो तहलका ही मर जाता है भाई साहब, मतलब वही 60-120 सीधा। और फिर Hellblade 2 टेस्ट किया भाई, वेरी हाई सेटिंग पर रॉ परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, फ्रेम जनरेशन लगा के हमारे को अच्छे FPS मिले, बट मैं कहूंगा DLSS ऑफ पे भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती बिकॉज वॉटेज में भी
बहुत फ्लक्चुएशन है, कुछ तो डेफिनेटली ग्लिच वगैरह हुआ है इसके अंदर। उसके बाद स्पाइडरमैन 2 टेस्ट किया, वेरी हाई सेटिंग्स पे, इसमें नॉर्मली हमारे को 40 एफपीएस तो मिलते हैं बट 1% लूज वगैरह बहुत ज्यादा है। बट अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा लोगे तो उसके अंदर आप फिर भी स्टेबल 60 के आसपास तो खेल सकते हो, बट 1% लूज इस गेम में ज्यादा मेरे को लगे, मतलब बहुत ज्यादा कभी कभी ना चिपक जाती है। उसके बाद इसी के अंदर अगर रेट्रेसिंग वेरी हाई पर करता है तो भाई दोनों सिनेरियोज में प्लेबल नहीं है मामला, तो सेटिंग्स आपको डेफिनेटली गिरानी पड़ेगी अगर आपको रेट्रेसिंग वगैरह भी लगानी है। फिर एलन वेक 2 आ गया, हाई सेटिंग्स पर ठीक ठाक फ्रेम रेट दे देता नॉर्मली, और अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा लेते हो तो भाई 100 एफपीएस के आसपास मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे रेट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करते हैं तो रॉ परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है बट फ्रेम जनरेशन लगा के आपको प्लेबल फ्रेम रेट मिल जाएंगे। बट हाँ, इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन भी है, मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे खासे फ्रेम रेट मिलते हैं 3x एंड 4x। एंड स्टोरी गेमिंग में मल्टी फ्रेम जनरेशन आराम से लगाओ, जो विजुअल लॉस वगैरह हो रहा था अब वो इतना कुछ खास है नहीं, अच्छा प्लेबल एक्सपीरियंस रहता है। और सिर्फ स्टोरी गेम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक इनपुट लैग भी आता है ना, जैसे ब्लैक मिथ वोगोंग आप देखो यहाँ पर रॉ परफॉर्मेंस 20-25 एफपीएस है बट फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छा 50 एफपीएस निकाल सकते हो, बट जैसे आप रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पर करोगे तो अच्छे फ्रेम रेट नहीं मिलते दोनों सिनेरियोस में। बट इसके अंदर भी मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है ना, बट मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा के एफपीएस तो अच्छे हो गए, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पर है, बट ऐसे गेम्स में इनपुट लैग बहुत वेरी करता है भाई। आपका एक एक हिट, आपका बॉस फाइट, उसके अंदर बड़ी दिक्कत आ सकती है कि हाँ भैया आप एकदम से लास्ट मोमेंट पे एकदम कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए। तो इन गेम्स में या फिर कोई ई स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, वैसे ई स्पोर्ट्स में यूजुअली मल्टी फ्रेम जनरेशन वगैरह अभी तक तो मैं देखा नहीं, बट अगर आता है तो फिर उसके अंदर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर कंक्लूड करते हैं लैपटॉप की परफॉर्मेंस को, तो ये वही 40-60 वाली परफॉर्मेंस देता है और 50 सीरीज का मल्टी फ्रेम जनरेशन और 2-4% थोड़े से एक्स्ट्रा फ्रेम रेट, जितना खास डिफरेंस बनाते नहीं है। और हाँ, इसके बाद जो हमारे टेम्परेचर्स थे कीबोर्ड में, WASD के आसपास हमारे को 23 डिग्री के आसपास मिलते हैं, सेंटर से ऑब्वियसली 30 डिग्री तक चले जाते हैं, बट ये भी काफी कम है बिकॉज यहाँ पे रूम टेम्परेचर जो है ना वो काफी मतलब ठंडक हो चुकी है। नमपैड साइज में वही 20-21 और यहाँ पे ट्रैक पैड के राइट साइड में भी 20 डिग्री के आसपास तक, लेकिन जो मेनली लेफ्ट साइड होती है ये भी हमारी 20 डिग्री के आसपास तक। तो लैपटॉप कुछ आज तक गर्म नहीं होता, वार्म साइड ही रहता हल्का बहुत वो भी। तो ये तो होगी लैपटॉप की पूरी बातचीत, अब जरा कंपेटिटिव लैपटॉप से बिड़वा लेते हैं। सबसे पहले विक्टर्स जो भी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया था, उसके अंदर दो सीपीयू वेरिएंट्स मिलते हैं, i7-13620H और एक Ryzen 7 260, जो मैंने उस वीडियो में बताया था, जो पिछली जनरेशन AMD का रीब्रांडेड वर्जन है, सेम है। और अगर इन दोनों सीपीयू को कंपेयर करते हैं ना मल्टी कोर सिंगल कोर में, तो काफी सिमिलर परफॉर्म करते हैं, तो आप चाहो तो कोई भी बाय कर सकते हो, बाकी आपका ट्रस्ट है इंटेल AMD कुछ माइंड में कीड़ा है तो देख लेना अपनी प्रेफरेंस, वरना दोनों सिमिलर परफॉर्म करेंगे। हाँ, AMD थोड़ा पावर एफिशिएंट रहता है, इंटेल थोड़ा ज्यादा वोल्टेज पुश करता है। एंड देखो सबसे पहले प्राइसिंग, ये लैपटॉप 1 लाख के आसपास आता है तो ही विक्टर्स के आसपास स्टैंड करेगा, वरना ये तो अभी ओवरप्राइज्ड है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। और देखो ओवरऑल बिल्ड देखते हैं तो विक्टर्स से डेफिनेटली टफ की बिल्ड बहुत बढ़िया है, टॉप लिड मेटल की है, काफी प्रीमियम फील देता है, और दोनों में सिंगल जोन RGB है। प्रोसेसर अगर कंपेयर करते हैं तो 13450HX थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, बट इतना डिफरेंस रियल लाइफ में आपको पता नहीं लगेगा। और एक चीज में विक्टर्स को भाई हेड्स अप है, वो है 24GB रैम, जो अभी अपने सारे लैपटॉप्स में दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं हर ब्रांड को 24GB कर देनी चाहिए, कुछ तो लॉक के वेरिएंट्स में भी 24GB आती है, इसमें 16 है, तो यहां पे विक्टर्स जीत जाता है। और हाँ, जो GPU की TGP है विक्टर्स में 80 वॉट का 50-50 है, इसमें 115 वॉट है, और 3D मार्क टाइम्स पे हम स्कोर भी कंपेयर कर रहे थे, 3% के आसपास का डिफरेंस आ रहा था। एंड TGP से ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत थोड़ा फर्क आएगा बिकॉज टेंसर एंड कूडा कोर्स वगैरह तो सेम ही होते हैं ना टेक्निकली, एंड वैसे भी NVIDIA 50 सीरीज बहुत पावर एफिशिएंटली काम करती है। और डिस्प्ले के मामले में भाई टफ जीत जाता है बिकॉज ये 100% sRGB डिस्प्ले के साथ आता है, विक्टर्स में बेसिक डिस्प्ले है एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 1 लाख, ये 20,000 रुपए ऊपर में दे रहे हैं। अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि यहां पे विक्टर्स भी बेकार ही है क्योंकि 1 लाख के हिसाब से तो फिर ठीक ही है। एंड इन दोनों में अगर आपको चूज करना है, अगर 1 लाख की प्राइसिंग टफ की आ जाती है फ्यूचर में, वैसे हमारी बहुत सारी वीडियोस के बाद आ जाती है तो समझा, तो भाई डेफिनेटली आप टफ चूज करना, लेकिन अगर टफ 1,20,000 का रहता है तो डेफिनेटली इसके सामने विक्टर्स ज्यादा सेंस बनाता है। 20,000 रुपए में सिर्फ आपको रैम का डिफरेंस मिल रहा है, और हाँ बैटरी का भी डिफरेंस है, विक्टर्स में 70 वॉट आ रहा है, टफ में 90 वॉट आ रहा है, एंड 20 वॉट आर मेजर डिफरेंस होता है जो डेफिनेटली बैटरी बैकअप ऊपर नीचे करेगा। हाँ, इंटेल AMD वेरिएंट में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करता है, सारे मैं नहीं कर सकता टेस्ट वेज, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, सब्सक्राइब लाइक करो। अब एक आता है MSI का कटाना, जब हमने रिव्यू करा था तो 1,10,000 के आसपास था, अभी वो 1,03,000 के आसपास चल रहा है, जिसके अंदर प्रोसेसर i7-14650HX है, और अगर कंपेयर करते हो तो भाई यहां पे डेफिनेटली प्रोसेसर बढ़िया काम करता है, उसके अंदर भी 50-50 115 वॉट मिलता है, और रैम दोनों में 16GB है, लेकिन कटाना में डुअल चैनल में रैम है, जो कि मैंने बताया था एक ड्रॉबैक है क्योंकि फ्यूचर में अगर अपग्रेड करनी हो 32 में जाना हो किसी प्रोडक्टिविटी या गेमिंग की वजह से तो दोनों स्टिक्स आपकी वेस्ट हो जाएंगी, टफ में सिंगल चैनल है तो आप आराम से अपग्रेड कर पाओगे। एंड बैटरी वाइज भी डिफरेंस है, कटाना में 75 वॉट आर, इसमें 90 वॉट आर, और डिस्प्ले कटाना में भी बेसिक मिलेगी 45% NTSC वाली, यहां पे भी टफ जीत जाता है। तो अगर देखो इसके साथ कंपेयर करते हैं तो कटाना ज्यादा सेंस बनाता है 1,03,000 रुपीस के आसपास बिकॉज प्रोसेसर बेटर मिलता है हमारे को, रैम वाला पॉइंट देख लेना, बाकी बैटरी भी होगी, और टफ 1,20,000 में महंगा है, ये 110 तक आ जाता है ना कंपैरेटिवली दूसरे लैपटॉप से, तो फिर भी ठीक है क्योंकि डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, 90 वॉट आर बैटरी है, 1TB SSD है, और इसी प्राइस पॉइंट के आसपास हमारे को दो लेनोवो लॉक मिलते हैं, जिसके अंदर एक तो i5-13450HX वाला है जो 98,000 रुपीस का है। अब ये लेनोवो लॉक ना बहुत ज्यादा सेंस बनाता है, देखो एक तो प्रोसेसर GPU सेम हो गया जो इस लैपटॉप में है, हां TGP का डिफरेंस है, उसमें 100 वॉट है, इसमें 115 वॉट है 50-50 की, बट डिफरेंस अगर आप देखोगे ग्राफिक्स कोर में तो नेग्लिजिबल है, और एक बैटरी का मेजर डिफरेंस है, लॉक में 60 वॉट आ रहा है, इसमें 90 वॉट आ रहा है,
अगर आप बैटरी को साइड रख दो ना तो 98,000 रुपीज में लॉक बहुत ज्यादा सेंस बनाता है जस्ट बिकॉज 100% sRGB डिस्प्ले, 1080p वाली है, इसमें 1200p है, खास इतना डिफरेंस नहीं आएगा। उसके अलावा वैसे ऑलराउंडर पैकेज है एक लॉक, और वैसे 50-50 और 50-60 वाले लॉक का रिव्यू है चैनल पे, वो देख लेना एक बार। और अगर i7 वाले के लिए जाना चाहते हो तो 1,11,000 रुपीज का लॉक, बाकी सारी स्पेक सेम है। ये i5 1,20,000 में दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी लॉक बहुत सेंस बनाता है, सिर्फ और सिर्फ अगर बैटरी को साइड हटा दे। उसके अलावा लिनोवो लॉक अभी के टाइम पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है कंपेयर टू दी कॉम्पिटिशन, बिकॉज विक्टस और कटाना में 100% sRGB डिस्प्ले नहीं है, फिर कटाना में डुअल चैनल रैम है। यहाँ पे लॉक एकदम स्वीट स्पॉट बना के बैठा और एक अपने सही प्राइस पॉइंट के आसपास। वैसे तो देखो 100 और 110 के आसपास एसर नाइट्रो वी, एसुस का V16, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जो मैंने रिव्यू नहीं कर रखे। मैं रिव्यू करूंगा तो डेफिनेटली फिर उन वीडियोस में हम कंपैरिजन वगैरह लाएंगे। तो कोई भी आपकी स्पेसिफिक डिमांड है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अब और कौन सा लैपटॉप रिव्यू करें, हम डेफिनेटली अरेंज करेंगे। एंड अगर इस लैपटॉप की बात करते हैं तो ये 1,10,000 तक अगर आ जाता है तो ये डेफिनेटली लॉक से बेटर ऑप्शन बन जाएगा। और हाँ, 1,10,000 रुपीज अब ये आ चुका है तो ये डेफिनेटली कंसिडरेबल चॉइस है कंपेयर टू कंपेरेटिव लैपटॉप्स। और ये 1,00,000 के आसपास बिक रहा था, मैं प्राइस ट्रैकर वगैरह के थ्रू चेक भी कर रहा था, लगता ज्यादा बिक गया, कह रहे पैसे बढ़ा दो। आपके जो भी थॉट्स है स्टफ के बारे में मेरे को कमेंट करके बताना। आप में से किसी ने खरीदा तो नहीं 1,00,000 रुपए में, तो आपके तो भाई चांदी हो गई, तो वो भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।